ये पपी जब हमारे पास पहुंची तो ये बहुत बुरी तरह से तारकोल में लिपटी हुई थी। ये इतने दर्द में थी कि ये बिल्कुल हिल भी नहीं पा रही थी। इसे देख के ऐसे लग रहा था जैसे तारकोल में गिरे हुए इसे कुछ दिन हो चुके हैं, जिस कारण तारकोल सूख के पपड़ी बन गया था। हमने तुरंत इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। ध्यान से देखने पर यह समझ में आया कि तारकोल सिर्फ उसके बालों पे नहीं, उसकी खाल तक जा चिपका था और उसको निकालने के लिए हमें कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। इसकी आंखों में उसका दर्द साफ झलक रहा था, लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा शांत थी। अब जानवर क्या और इंसान क्या, मैंने देखा है कि अक्सर जो सबसे ज्यादा झेल रहे होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा चुप होते हैं। हमने सबसे पहले तारकोल की मोटी परत को आराम आराम से कैंची से काट कर हटाया। ये प्रोसेस लगभग आधे घंटे तक चला और इस पपी ने भी हमारे साथ पूरा सहयोग दिखाया। फिर चिपके हुए तारकोल को हटाने के लिए हमने तारपीन का तेल डाला, जिसके कारण इसके शरीर में शायद जलन होने लगी और ये बेचारी भागने की कोशिश करने लगी। लेकिन जब उसे समझ में आया कि हम उसकी मदद कर रहे हैं तो फिर वो शांत हो गई। हम लोग बहुत ही धीरे धीरे तारकोल को हटा रहे थे ताकि इस बेचारी को कम से कम तकलीफ हो। जब हमने उसको लटाया तो देखा कि तारकोल तो उसके पैरों के ऊपरी हिस्से तक चिपका हुआ था। इस समय तक हमारी टीम के तीन लोग पिछले एक घंटे से उसके शरीर से तारकोल हटा रहे थे, तो हमको लगा कि उसको भी ब्रेक देते हैं और हम भी एक ब्रेक लेते हैं। चाहे हमारा मन तो था कि एक ही बारी भूत की तरह पीछे पड़ के इस काम को खत्म करें, पर कोई भी लंबी रेस धैर्य और समय रहते ब्रेक लेने से ज्यादा अच्छी तरह से दौड़ी जा सकती है। मगर जैसे ही हमने उसको छोड़ा, वो अचानक से जमीन पे लौटने लगी और जोर जोर से चिल्लाने लगी। हमने देखा कि इसके आगे के पैरों के पास कुछ घाव थे। ये घाव शायद इसके शरीर से जल्दबाजी में तारकोल निकालने के कारण हो गए थे। दरअसल जिन्होंने इसको रेस्क्यू करके हमारे पास भेजा था, उन्होंने तारकोल निकालने की कोशिश करी थी, पर तारकोल इस कदर से उसकी खाल से चिपका हुआ था कि उसे जब खींच के उन्होंने निकाला तो उसकी खाल भी साथ ही छिल गई। कई बारी हम किसी के साथ अच्छा करना चाहते हुए भी अनुभव ना होने के कारण थोड़ा गलत ही कर जाते हैं, खासकर तब जब उनके घाव ऐसे हों जो साफ दिखते ना हों। अब की बार हमने तारपीन के तेल के साथ नारियल का तेल मिला के इसके शरीर पर डाला, क्योंकि तारपीन का तेल स्किन को जला सकता है, इसलिए कोकोनट ऑयल मिलाने से स्किन की इरिटेशन थोड़ी कम हो गई। हमें उसकी हालत देखकर इतनी दया आ रही थी कि ट्रीटमेंट बीच में रोक रोक कर हम उसे खाना देने की भी कोशिश करते थे, पर वो इतने दर्द में थी कि वो अपनी भूख भी भूल गई थी। अगर आप भी कभी ऐसे किसी केस का सामना करते हैं तो याद रखिएगा कि तारपीन का तेल बेहद ही ज्वलनशील होता है, तो आसपास कोई सिगरेट बीड़ी ना पी रहा हो और तुरंत बाद डॉग को नहला दीजिएगा। हम भी उसको गर्म पानी और डॉग शैम्पू से नहला के बचे हुए तारकोल को निकालने में लग गए। पानी पड़ते ही उसकी जलती खाल को जैसे शांति सी मिली और उसके चेहरे पे थोड़ी राहत दिखी। करीबन दो घंटे के बाद हमने उसके बालों पे चिपका हुआ ऊपरी तारकोल पूरी तरह से निकाल दिया था। इसके बाद हमने उसके ऊपर नारियल का तेल और एलो का मिक्सचर लगा के उसको रात के लिए छोड़ दिया। अगले दिन उसकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई थी, क्योंकि वो कुछ भी खा पी नहीं रही थी। तारकोल ने उसके बदन की पूरी नमी भी सोख ली थी। उसके शरीर में ताकत लाने के लिए हमने उसको फ्लूइड्स लगा दिए। जब वो आई थी तब हम उसको फ्लूइड इसलिए नहीं लगा सकते थे कि तारकोल उसकी स्किन पे बुरी तरह चिपका हुआ था, और तारकोल उतरने के बाद वो इतना ज्यादा स्ट्रेस में थी कि वो एक जगह टिक के नहीं बैठ पा रही थी। अब हम रोज एलोवेरा और नारियल के तेल से इसके शरीर पे मसाज करते हैं, जिससे उसको काफी राहत भी मिलती है और बचा हुआ चिपका तारकोल भी धीरे धीरे निकल रहा है। हमने इसका नाम तारा रखा है, क्योंकि ये बिल्कुल वैसे चमक रही है जैसे रात होने के बाद कोई तारा। अब तारा काफी हद तक ठीक हो चुकी है और लगभग एक महीने में इसके नए बाल भी आ जाएंगे। अगर आप इस नन्ही सी जान को घर दिलाने में मदद करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा।